चलो शुरू करें। तुम्हें नहीं पता? वेल, मिसेस केक ने अभी अभी तुम्हारी फेवरेट ओटमील वाली कुकीज तैयार की हैं। बहुत मजा आया। और रोज तुम्हारी कैला लिलीज तो पिछले साल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। तुम्हें इसके लिए फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। थैंक्स पिंकी, क्या तुम्हें एक चाहिए? हाँ जरूर। नजर आ रहे हैं मिस्टर वैडल, और आज आपने अपनी फेवरेट टाई भी पहनी है। ओ, बस भी करो मिस पिंकी, तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। वेल, हैप्पी बर्थडे चेरिली। थैंक यू पिंकी। हैप्पी बर्थडे के बाद वाला दिन सिकोरा। बहुत ही प्यारी हाय मिस पिंकी बाय। और मिस मटिल्डा, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी 132 दिनों बाद। पिंकी बाय, तुम्हें हर पोनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे याद रहता है? क्योंकि हर पोनी मेरी दोस्त है, और मेरे दोस्तों के चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ। मेरा नाम है पिंकी पाई। हेलो, मुझे बस है इतना कहना। हे, कैसे हो तुम? अच्छा लगता है मुस्कुराहट और सब में खुशी बांटना, कोई फर्क पड़ता नहीं। हे, व्हाट्स अप? चाहे हो निराश या दुखी। हेलो, मेरा काम ही बस है दोस्तों की लौटा दो प्यारी हंसी। मुझे बस है प्यारी दोस्तों की हंसी, हंसी प्यारी सी। लोगों की खुशहाली में खुश होती हूँ मैं भी, बस इनकी मुस्कुराहट मुझे चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं ये, मेरे दोस्तों की मुस्कान। बढ़िया, इसमें बसती मेरी जान। क्या बात है? बस इतना सा है ख्वाब मेरा, रखूं मैं दोस्ती की शान। ये बात है। डर हो कभी कोई मुसीबत या उदास हो जाओ तुम, बस मुझसे अपने ये गम बांटो, कर दूंगी उनको मैं गुम। मुझे बस है देखना तुम्हारी हंसी प्यारी, हाँ सच में, क्योंकि खुशियाँ पाने की बारी है तुम्हारी। रंगों से भर जाए जिंदगी सारी, खुशियों की गलियारी, कभी कभी तुम्हें गम भी सताएगा। होगा चारों अंधेरा, पर हाथ बढ़ा कर तुम्हें ले जाऊंगी, जहाँ होगा उजाला। मुझे जिस बात से मिले खुशी, यही जीने का मकसद है, और वो है दोस्तों को प्यार देना, उन्हें खुशियाँ देना है। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि पक्की है दोस्ती। प्यार बांटो तो प्यार मिलता है, लगी खुशियों की ये छड़ी। मुझे प्यारी है मुस्कुराहट तुम्हारी, कसम से बोलो क्या कहूँ जो तुम्हें हो जाए यकीन। हाँ मुझ पे, मुझे प्यारी है मुस्कुराहट तुम्हारी, भरे जिंदगी में ये रोशनी। आ जाओ सारे पोनीज, खुशियाँ मनाओ, मेरे दिल में खुशियाँ भरते जाओ। चलो अब मुझको हंस के दिखाओ, मेरे प्यारे दोस्त तुम सब हो। आ जाओ सारे पोनीज, खुशियाँ मनाओ, मेरे दिल में खुशियाँ भरते जाओ। चलो अब मुझको हंस के दिखाओ, मेरे प्यारे दोस्त तुम सब हो।
मेरा परफेक्ट गिफ्ट बस है यही। तुम सबकी ये खुशियाँ इसमें बसती है मेरी खुशी। प्यारी हंसी, प्यारी हंसी, प्यारी हंसी, प्यारी हंसी, स्माइल। चलो हंस के दिखाओ, चलो हंस के दिखाओ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम काफी स्मार्ट दिखती हो। थैंक्स, मैं हूँ पिंकी पाई, तुम्हारा नाम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सी डी डी। मेरे ख्याल से आखिरी वाली डी का मतलब डोंकी होगा। बिल्कुल सही कहा बच्ची। अब जरा सोचने दो सी का क्या मतलब होगा। कैल्विन, कैलहाउन, कैलेब, कार्ल, कामिन, कार्लोस, चार्ली, चेस्टर, चीको, क्लॉडियो, क्लीटस, क्लिफर्ड, कॉनराड, कॉर्नेलियस, कॉर्टेक्स, क्रिक, क्रिस्टोफर। क्रैंकी, इसका मतलब क्रैंकी है। और तुम्हारा मिडिल नेम? ग्रुल। माफ करना, ग्रुल। एक बार फिर से बोलना जरा। डूडल। तो क्या तुम एक क्रैंकी डूडल डोंकी हो? तुम एक क्रैंकी डूडल डोंकी हो, तुम एक क्रैंकी डूडल डोंकी। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, पर मैं हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पिंकी पाई। कम ऑन डूडल, जरा एक स्माइल तो दो। मुझे कोई भी डूडल नहीं कहता। यहाँ भी ये क्या हुआ? किसी नई पोनी से मिलो, चेक। खुद को इंट्रोड्यूस करो, चेक। कोई भी अजीब सा गाना गाओ, चेक। और उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, अनचेक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी पोनी जल्दी से मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे नहीं बन सकती? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने कुछ गलत गा दिया? ये वक्त एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है पिंकी। शहर में एक नई पोनी आई है और मुझे उसका दिल जीतना है। कुछ भी करो, पर क्रैंकी के चेहरे पर स्माइल लाओ और उसे अपना दोस्त बनाओ। चेक। ठीक है पिंकी, अगर तुम्हें क्रैंकी से दोस्ती करनी है तो तुम्हें पूरी जान लगानी होगी। चलो शुरू करते हैं। हाउडी डाउडी क्रैंकी डूडल। तो क्या तुम पोनीविल में रहने वाले हो? तुम्हें कैसे पता चला बच्ची? शायद सामान की भारी गाड़ी देखकर। वेल, मुझे तुम्हें शहर घुमाकर खुशी होगी। अपनी नए दोस्त के लिए इतना तो कर सकती हूँ। सुनो बच्ची, मैं अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर में घूमता रहा हूँ। मैंने बहुत से दोस्त बनाए, मुझे और दोस्त की जरूरत नहीं। ओह, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए। वेल, तू जाओ और किसी और को दोस्त बनाओ। पर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब मैं यहाँ रहकर ही नए दोस्त बना सकती हूँ, जैसे कि तुम। देखो बच्ची, तुम क्रैंकी, तुम मुझे पिंकी बुला सकते हो। मेरे सारे दोस्त मुझे यही कहकर बुलाते हैं। देखो बच्ची, मैं पोनीविल शांति और अकेलेपन की तलाश में आया हूँ, समझी? अपनी यादों के साथ अकेला वक्त बिताने के लिए। मैं बस अपने नए घर जाकर अपना सामान उतारना चाहता हूँ। ओह, ये किस लिए काम आता है? उसे मत छुओ। ये क्या है? प्लीज मत छुओ। और जरा इसे देखो। hey! अपने पंजे मेरी वैगन से दूर रखो। ओके क्रैंकी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी वैगन को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की वैगन है। अच्छी बात है, शायद हम दोनों वैगन बडीज बन सकते हैं। वेल, तुम्हें मुझे कम से कम एक स्पेशल वेलकम तो करने देना चाहिए। चलो जल्दी से करके खत्म करो। ये हुई ना बात। वेलकम वेलकम वेलकम, करो स्वागत मैं तुम्हारा। वेलकम वेलकम वेलकम, शहर ये बहुत प्यारा। वेलकम वेलकम वेलकम, हिप हिप हुर्रे हो जाए। वेलकम वेलकम वेलकम, पोनीविल में तुम्हें खुशियाँ मिल जाए। जरा इंतजार करो। मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैंने जरूर कन्फेटी को ओवन में रख दिया होगा और केक को इसमें। फिर से
फिर भी ये स्वादिष्ट है। थोड़ा सा ट्राई करो क्रांकी, इससे खाकर तुम खुश हो जाओगे। ओ, वो कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया क्या? आ, मकड़ी, बड़े बालों वाली मकड़ी। रुको, रुको, रुको। ओ, क्या वो तुम्हारे मूंछ के बाल थे? मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हे, सब लोग मेरी बात सुनो। क्या किसी के पास थोड़े एक्स्ट्रा बाल हैं? ये डॉन्की तो बिल्कुल बिल्कुल गंजा है। इसमें हंसने वाली बात क्या है? ये बहुत ही सीरियस बात है पोनीज। क्रांकी को अपना गंजा सर ढकने के लिए बालों की जरूरत है। बस अब बहुत हो गया। वो तुम्हारे हाथ से निकल रहा है पिंकी। रुको क्रांकी, प्लीज, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। नहीं, प्लीज, 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 प्लीज। लेडीज, एक स्पा इमरजेंसी है। क्रांकी को मदद की जरूरत है तुरंत। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। स्पा ट्रीटमेंट वाला गिफ्ट काफी था। ये बिल्कुल फटेगा नहीं, प्रॉमिस। बस इसे खोलो। ये एक नई टोपी है, मैंने अपनी दोस्त रैरिटी से बनवाई है। ये है ड्रीम बोट स्पेशल। ये तो कमाल का है। थैंक यू बच्ची। वो खुलना शुरू हो गया है, पर अब भी नो स्माइल। हे, क्या कर रहे हो दोस्त? पुराने यार? दिखने में कैसा लग रहा है? ये किसी यार्ड से ही जैसा लग रहा है। मैं तुम्हें इसके 2 रुपए दूंगी। मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं सामान अनपैक कर रहा हूँ। वेल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा मैंने तुम्हें बता दिया। ये बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें कहाँ से मिला? शहर से लिया है, अब उसे धीरे से नीचे रखो। सच्ची, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? एक दोस्त को तलाश करने पहुँचा था। ओह, मैं हमेशा दोस्त ढूंढती रहती हूँ, और देखो आखिरकार तुम मुझे मिल गए। वो एक खास दोस्त थी। मेरी तरह? नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही खास हो बच्ची। हाँ, वो तो मैं हूँ। वाओ, पूरे क्वेस्टिया में तुम्हें ये कहाँ मिला क्रांकी? फिलाडेल्फिया। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, वो थी। हाँ? मेरा मतलब ये था, मतलब ये है। हाँ, ये खूबसूरत है, अब इसे नीचे रखो। मैं सोच रही हूँ क्रांकी को ये कहाँ मिला होगा। हाँ, जरा वो तो देखो। हे क्रांकी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ओ नहीं! क्या कहा तुमने? ये तुमने क्या किया? सब ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो क्रांकी। ओ हाँ, तुम्हें माफ कर दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सुनो बच्ची, मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं या कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुमने 4 बार कभी भी नहीं कहा, इसका मतलब हमेशा के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्रांकी ने कहा वो कभी भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है पिंकी। यहाँ की सभी पोनीज तुम्हारी दोस्त हैं, पर तुम्हें ये मानना होगा कि क्रांकी सबके जैसा नहीं है। वो बस नहीं चाहता कि उसे कोई परेशान करे। हाँ, वो तुम्हारे बेतुके बेवकूफ बर्ताव से दूर रहना चाहता है। रेनबो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, मैं समझ चुकी हूँ तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। मुझे लगता है क्रांकी को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसके मुझे माफ कर देने के बाद। क्रांकी! नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। रुको, मैं जान गई हूँ तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते। हाँ, नहीं बनना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, तुमने कह दिया।
पर क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? नहीं। सुनो फ्रैंकी, तुमने मुझे माफ किया क्या? नहीं। पर मैं सच में। कुछ नहीं कर सकती हो। तुमने मेरी किताब बर्बाद कर दी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया जिससे मैं उसे याद। उसे? उसे किसे? तुम्हारी स्पेशल दोस्त? चली जाओ यहाँ से पिंकी। फ्रैंकी, ये मैं हूँ फिर से। मैं जानती हूँ तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते और ना ही मुझे माफ करना चाहते हो, पर इससे पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूँ, मैं तुम्हारी किताब बर्बाद करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए बच्ची। तुम मुझे जो कुछ भी दोगी वो जरूर कुछ न कुछ बर्बाद ही करेगा। क्या बात है, तुम वाकई में क्रैंकी हो। ये नहीं हो सकता। क्या सच में ये तुम ही हो? ये बिल्कुल हो सकता है और ये मैं ही हूँ। मटिल्डा, लेकिन कैसे? पिंकी। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने दो और दो और दो और दो को छोड़ा तो मटिल्डा निकला। क्या? वेल, जब तुम अपने सुविनेर्स के बारे में बात कर रहे थे तब तुमने अपनी स्पेशल फ्रेंड को ढूंढने का जिक्र किया था। और पता है, मैं कल की पैदा हुई बच्ची नहीं हूँ। मेरा बर्थडे आने में अभी 75 डेज बाकी है। हाँ? और फिर तुम्हारी स्क्रैप बुक में एक फूल था, एक पुराना टिकट और ग्रैंड गैलोपिंग गाला का एक मेन्यू था, और मैं देखते ही समझ गई कि मैं इन सब चीजों को पहचानती हूँ। पर तुमने इन्हें पहले कहाँ देखा था? क्योंकि ये सब मेरी स्क्रैप बुक में भी है। और मैंने ये सब मटिल्डा की स्क्रैप बुक में भी देखा था। ओ मटिल्डा, जिस रात हम दोनों मिले थे वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए बेकरार था, पर अगले दिन जब मैं तुमसे मिलने आया तो तुम जा चुकी थी। क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई खत नहीं मिला। और उस दिन के बाद से मैं यहाँ वहाँ हर जगह सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता रहा, और आखिरकार मैंने उम्मीद छोड़ दी और आ गया पोनीविल अपनी तलाश खत्म करने। मैं तो शुरू से ही पोनीविल में ही रह रही हूँ। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन तुम आकर मुझे ढूंढ ही लोगे। डूडल? मटिल्डा, कोई भी पोनी उसे डूडल कहकर नहीं बुलाती। पोनी नहीं बुला सकती, मटिल्डा तो बुला सकती है। ओ डूडल, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ किया? हाँ पिंकी, मैंने तुम्हें माफ किया, और ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि तुम मेरी दोस्त हो। पार्टी। पिंकी, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं, लेकिन मैं और मटिल्डा शांति से कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहते हैं। ओ, पर हम अभी दोस्त हैं ना? पिंकी, तुमने मुझे खुश करने के लिए बहुत 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 मेहनत की है। बेशक हम दोस्त हैं,
डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, दुनिया में कई तरह के दोस्त होते हैं और दोस्ती जताने के कई तरीके होते हैं। कुछ दोस्तों को साथ दौड़ना और खेलना अच्छा लगता है, पर कुछ को सिर्फ अकेले रहना पसंद है, और ये भी अच्छी बात है। पर दोस्ती में सबसे जरूरी बात है आप अपने दोस्तों के चेहरे पर हमेशा स्माइल बनाए रखें। है खास इनकी दोस्ती, देती है जो इन्हें खुशी, रहते हैं हर दम साथ और थामे एक दूसरे का हाथ।